KTM ने अपने ड्यूक 200 में जो अपडेट किया है अपडेट में इसका ऑन रोड प्राइस पटना में रखा गया है 2,25,000। सबसे पहले अपन लोग शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल लुक से। तो ये देख लो फ्रंट प्रोफाइल लुक एज इट इज आपको वही देखने को मिलेगा जैसे कि जैसा इसका प्रीवियस जनरेशन से आ रहा था। साइड बाय साइड आपको LED DRL लाइट्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 12 वोल्ट 60x65 वाट का आपको इसमें हैलोजन बल्ब लगा के दिया जा रहा है। ये देखो LED बल्ब इसमें नहीं है, हैलोजन बल्ब लगा के दिया जा रहा है। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। मेन जो इसका अट्रैक्शन का पॉइंट है वो इसका फ्यूल टैंक, आप देख लो फ्यूल टैंक का जो कवर है साइड बाय साइड आप देख सकते हैं, मेटालिक ग्रे कलर का आपको इसका कवर आपको पेंट जॉब करके कंपनी दे रही है। ड्यूक 200 की ब्रांडिंग आपको स्टिकर फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फिंडर देख लो, आपको इसका जो फ्रंट फिंडर है 2 कलर टोन में देखने को मिलेगा, मेटालिक ग्रे और डार्क ब्लैक। और दोस्तों सीट आपको स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलेगा, 822 mm का इसमें आपको सीट हाइट दिया गया है। KTM की ब्रांडिंग आपको इसके टेल पैनल पर देखने को मिलेगी, ऑरेंज पेंटेड आपको इसका टेल पैनल देखने को मिल जाएगा। साइड बाय साइड आप इस मोटरसाइकिल को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ये रहा इसका ग्रे हैंडल जिसे हम लोग प्लेन ग्रे हैंडल कहते हैं। दोस्तों जो बैक का जो डिज़ाइन है एज इट इज़ आपको सेम प्रीवियस जनरेशन के तरह से ही आपको इसका बैक का जो पोर्शन डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। बैक में वही आपको LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाएंगे, LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एसेसरीज के तौर पर आपको दोस्तों कंपनी आपको इसमें रेटर हागर और साड़ी गार्ड आपको प्री इंस्टॉल कंपनी फिटेड इसमें आपको दे रही है। 150 सेक्शन का आपको बैक में आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है, ऑरेंज पेंटेड आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। 230 mm का आपको बैक में आपको डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको बाइब्रेक कैलिपर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। डुअल चैनल ABS सपोर्टेड ये मोटरसाइकिल आपको इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है, आपको इसमें डुअल चैनल ABS आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म इसमें आपको दिया गया है और जो एग्जॉस्ट है सेम आपको ड्यूक 125 की तरह से आपको ड्यूक 200 का अंडर वैली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाने वाला है। बैक सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो बैक में दोस्तों आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल आपको WP Apex कंपनी के मोनो सस्पेंशन लगा के दिए हैं इसमें। चलिए मैं आपको इस मोटरसाइकिल का इंजन साउंड सुना देता हूँ। ओके तो 13.4 लीटर आपको 13.4 लीटर आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और जो रिज़र्व फ्यूल जो इसमें रखा जाएगा वो आपको 2.7 लीटर फ्यूल ये मोटरसाइकिल आपको रिज़र्व में रखेगी। माइलेज की अगर हम बात करें दोस्तों ड्यूक 200 BS6 माइलेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 35-40 km/L के बीच का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। बाद बाकी जो माइलेज होता है दोस्तों वो आपके राइडिंग कंडीशन और बाइक के मेंटेनेंस पर भी डिपेंड करता है। ओके अब आते हैं इसके सेफ्टी पर्पज़ पे आप डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विथ डुअल चैनल ABS के साथ आपको इसका डिस्क ब्रेक आएगा। बाइब्रेक आपको इसमें कैलिपर्स मिल जाते हैं और 43 mm के आपको WP Apex कंपनी के USD फॉक्स सस्पेंशन फ्रंट में KTM कंपनी अपनी ड्यूक 200 में लगा के दे रही है। ऑरेंज पेंटेड आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। दोस्तों फ्रंट टायर साइज की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको 110/70/17 का आपको ट्यूबलेस टायर MRF कंपनी के इसमें लगा के दिया जा रहा है। मीटर की मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये देख लो, ये देखो मीटर एज इट इज़ सेम वही प्रीवियस जनरेशन वाला ही आपको ड्यूक 200 BS6 में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे KTM को एटलीस्ट इसमें जो हेडलाइट सेटअप है उसमें आपको LED हेडलाइट सेटअप देना चाहिए था और जो मीटर है वो इसमें आपको TFT डिस्प्ले वाला मीटर एटलीस्ट इसमें आपको इस प्राइस पॉइंट पे KTM को अपनी ड्यूक 200 में देना चाहिए था। स्विचेस की जानकारी मैं आपको दे दूँ, ये रहा इसका हाई बीम लो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा। और इसके ठीक ऊपर आपको पास लाइट स्विच आपको देखने को मिल जाएगा रेड, और दूसरे सेक्शन में आपको रेड कलर में इंजन की स्विच, नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। एक लास्ट अपडेट से मैं आप लोग को रूबरू कराना चाहूँगा इस मोटरसाइकिल का। बाइक ऑन कर, ये देखो बाइक न्यूट्रल में लगी हुई है। अब अपन लोग सेल्फ मारेंगे स्टार्ट, फर्स्ट गियर पुटअप करता हूँ मैं, बाइक व्हील रोटेट कर रहा है ये देखो, और जैसे अपन लोग साइड स्टैंड लगाएंगे इंजन कट। अब मैं आपको इस मोटरसाइकिल के इंजन की जानकारी मैं आपको देता हूँ।
KTM ने अपने इस मॉडल में लगा के दिया है 200cc इंगल सिलेंडर, 4-स्टॉक लिक्विड कूल, 4-वेल्व BS6 फ्यूल इंजेक्टेड आपको DOSC इंजन लगा के दिया जा रहा है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 24.67 BHP एट द रेट ऑफ 10,000 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क जो इसका इंजन जनरेट करेगा दोस्तों वो आपको 19.3 NM टॉर्क एट द रेट ऑफ 8,000 RPM। नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 6 मिल जाते हैं, और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई KTM को अपने ड्यूक 200 में स्लीपर क्लच का एटलीस्ट सपोर्ट देना चाहिए थे। भाई 200cc का इंजन है, 200cc के हिसाब से आप पैसा ले रहे हो, तो भाई साहब इसमें आपको एटलीस्ट स्लीपर क्लच आपको इसमें देना चाहिए। बाकी इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम में आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है, बट इसमें आपको स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है। चलिए आप थोड़ा सा डायमेंशन के ऊपर होमवर्क कर ले अपन लोग। आपको 159 kg का आपको इस मोटरसाइकिल में कर्व वेट दिया गया है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से KTM ने अपने KTM ड्यूक 200 BS6 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 155 mm यानी 155 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। चलिए अब आते हैं ऑन रोड प्राइस पे। KTM ड्यूक 200 आपको जो डार्क सिल्वर मेटालिक कलर जो 2022 मॉडल जो अभी लेटेस्ट आई है मार्केट में, इसका ऑन रोड प्राइस पटना में रखा गया है 225,111 रुपया। बात बाकी जो ऑन रोड प्राइस है वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप ऑन रोड प्राइस देख सकते हैं, यानी तो मैंने KTM शोरूम का सारा डिटेल फ़ोन नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे KTM मोटरसाइकिल संबंधित कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको पूरी जानकारी KTM ड्यूक 200 डार्क मेटालिक कलर आप 2022 मॉडल का पूरा मिल गया हो इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप KTM के डाई हार्ट फैन हैं दोस्तों, तो एक लाइक आप जरूर करके जाओगे ये मेरा आप लोग पर यकीन है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए भाई को लिव फ्री राइड आर्ट एंड हैव अ सेफ राइड। पीस आउट।